हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। तो बच्चों, इससे पहले आप पढ़ चुके हो कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल इज़ अ सिस्टम इन विच वी हैव टू चार्जेस विच आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, द चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, एंड दे आर सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस दैट इज़ 2a। इसके साथ में आप लोग फील्ड भी पढ़ चुके हो। फील्ड से हमारा मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ लिखा है यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि एक ऐसी फील्ड जो हर एक पॉइंट पर सेम रहे, जिसकी जो वैल्यू है हर पॉइंट पे सेम रहे। तो क्वेश्चन आता है बेटा कि यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करें। तो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड को हमेशा हम पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। पैरेलल लाइंस इस तरीके से आपको बनानी होती हैं, ये आपकी यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करते हो। ये जो यूनिफॉर्म फील्ड है, इसको बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि लाइंस पैरेलल होने के साथ साथ उनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी हमें सेम लेनी है। क्योंकि सेम डिस्टेंस का मतलब है कि लाइंस जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर हैं। इसीलिए इस फील्ड के अंदर हर पॉइंट पे इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो ऐसी यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड हमें स्टडी करना है कि उसमें अगर हम डाइपोल को रखें तो उसका बिहेवियर किस तरीके से चेंज होता है। सो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड आप लोगों को समझ आ गया होगा। इधर जो हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फील्ड, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है। ये जो फील्ड है ये डाइपोल की नहीं है, ये हमने बाहर से एक्सटर्नली लगाई है। किस पे लगाई है? डाइपोल के ऊपर लगाई है। तो अब हमें स्टडी करना है कि डाइपोल के बिहेवियर में क्या चेंज आता है जब हम उसको एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लें। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आपको दिखाई देगी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ए फील्ड विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस। सो इट इज़ ए फील्ड विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल लाइंस वेयर द गैप्स बिटवीन द लाइंस इज सेम। सो सच अ इलेक्ट्रिक फील्ड is known as uniform electric field। Okay, तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डाइपोल के बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं जब हम उसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं। एक्सटर्नल से मतलब आप समझ ही गए, ये फील्ड डाइपोल की नहीं है, ये एक्सटर्नली हमने लगाई है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम इसके लिए एक डाइपोल ले रहे हैं। डाइपोल आपको मैंने पहले भी बता दिया है। डाइपोल किस तरीके से होता है? डाइपोल इज़ अ सिस्टम इन विच टू चार्जेस विच आर इक्वल एंड अपोजिट इन मैग्नीट्यूड्स आर सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस। तो आप इधर देख सकते हैं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, दे आर सेपरेटेड बाय ए फिक्स्ड डिस्टेंस दैट इज़ 2a, वेयर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब इस डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं और देखते हैं कि इसके बिहेवियर में क्या चेंज आता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, तो डायग्राम पहले समझ लेते हैं। तो आप इधर देख सकते हैं, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें मैंने एक डाइपोल रखा है ए टू बी। ओके, जहां ए जो है दैट इज माइनस क्यू एंड बी इज प्लस क्यू। अच्छा बच्चों, हमेशा एक बात याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे दिखा रहे थे पहले आपको समझना होगा। कोई भी प्लस चार्ज जो होता है उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड निकलती है, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा है, रेडियली आउटवर्ड। कोई भी माइनस चार्ज जो होता है
उसमें रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। ओके, ये आप लोगों ने सबने पढ़ा है। तो अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से बताई है, इसका मतलब है कोई पॉजिटिव चार्ज था जिसमें से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकली हैं बाहर, और एरो का मतलब क्या है, कोई नेगेटिव चार्ज है जहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। ये बात आपको समझ आई क्या? ओके, तो इस बात से मैं क्या कहना चाहता हूँ वो आप ध्यान दें कि ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको आप यूँ समझिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कोई प्लस क्यू में से आ रही है बाहर, और किस तरफ जा रही है, माइनस क्यू की तरफ जा रही है। ये आप इमेजिन करिए। ओके, ये ऐसा मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब हम डाइपोल रखेंगे तो उसके चार्जेस पे क्या फोर्स लगने वाला है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो हमको समझना ज़रूरी है। तो आप ये देखिए, डाइपोल का प्लस क्यू चार्ज इधर पड़ा है, ये है हमारा प्लस क्यू यानी प्लस स्मॉल क्यू। इस प्लस क्यू के ऊपर, इस प्लस क्यू के कारण क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, उस फोर्स की डायरेक्शन होगी इस तरफ। इसी तरीके से माइनस क्यू के कारण जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन भी किस तरफ होगी, इस तरफ। इसलिए इस प्लस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगता है जिसकी डायरेक्शन हम टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बनाते हैं। देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन थी और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो भी यही लग रहा है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की। ये है आपका नेगेटिव चार्ज डाइपोल का। इसको ये प्लस क्यू क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा इसलिए इसकी डायरेक्शन फोर्स की कहाँ होगी, इस साइड में होगी। अगर हम माइनस क्यू की बात करें तो ये इसको रिपेल करेगा, तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। इसका मतलब ये है कि हमारे माइनस क्यू पे एक फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स, जिसकी डायरेक्शन ये है। ये हमेशा याद रखें, इस तरीके से हमको मालूम पड़ता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हमारा प्लस चार्ज रखा हुआ है तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। अगर माइनस चार्ज रखा हुआ है तो उसकी डायरेक्शन, उस पर एक फोर्स लगेगा जिसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से। ये बात आपको समझनी है। चलिए अब इसी बात को बेस बनाते हुए हम आगे डायग्राम को समझते हैं। तो देखिए, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, लेफ़्ट टू राइट। ओके, लेफ़्ट टू राइट। हमारा जो डाइपोल है वो कैसे रखा हुआ है, हमारा डाइपोल रखा हुआ है इस तरीके से, जहाँ माइनस चार्ज कहाँ है, इस तरफ है, और प्लस चार्ज कहाँ है, इस जगह पे। तो अब इस प्लस चार्ज पर एक फोर्स लगता है जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट साइड में होगी। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन पे इस पर फोर्स लगेगा। तो डायरेक्शन क्या हो गई इस फोर्स की, इस फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई। इसी तरीके से जो माइनस चार्ज है डाइपोल का, उस पर एक फोर्स लग रहा है, उसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से। इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आपको इस माइनस चार्ज पे फोर्स लगता हुआ दिखेगा। तो ये हो गया हमारा माइनस चार्ज पे लगने वाला फोर्स, और ये है हमारा ऊपर वाला प्लस वाला। तो इस फोर्स को मैं एफ प्लस क्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, और जो माइनस क्यू फोर्स है उसको मैं एफ माइनस क्यू वाले फोर्स से रिप्रेजेंट करता हूँ। एफ प्लस क्यू क्या है, F प्लस क्यू इज द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज ऑफ डाइपोल। F माइनस क्यू क्या है, F माइनस क्यू इज द फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू चार्ज ऑफ द डाइपोल। किसके कारण लग रहा है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरी बात जो हमको समझनी है वो बच्चों ये है कि हमें हमेशा डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, जैसा हम पढ़ चुके हैं, डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ चलता है, माइनस से प्लस की तरफ चलता है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है, माइनस चार्ज से चल रहा है और किस तरफ जा रहा है, प्लस चार्ज की तरफ जा रहा है। तो मेरे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये डायरेक्शन।
ये डायरेक्शन किसकी है, और डाइपोल मोमेंट को मैं पी से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये मेरे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये जो ग्रीन कलर से मैंने आपको बताया है, सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ, इसको हम उसी कलर से लिख बता देते हैं। सो एक सेकेंड, हाँ सो ओके, सो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो लेट अस से कि ये जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बीच में कुछ एंगल है जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो अभी तक हमने क्या समझा, हमने ये समझ लिया कि फोर्स लगता है पहले तो पॉजिटिव चार्ज पे, जिसको हम प्लस एफ क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस चार्ज पे एफ माइनस क्यू चार्ज एफ माइनस क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है उसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बनाता है। इस तरीके से ये तो हुआ डायग्राम को समझने का तरीका। अब हम और थोड़ा आगे पढ़ते हैं, तो देख लीजिए इसमें ये जो पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ये बता रहा है डाइपोल, ये आपको बता रहा है डाइपोल मोमेंट वेक्टर, तो ये है डाइपोल मोमेंट वेक्टर की डायरेक्शन। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने ये देख ही रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा ये है, तो इनके बीच में एंगल जो लग रहा है वो कितना है, थीटा। सो आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस हियर इन दिस फिगर, तो यहाँ ये एंगल थीटा से मैंने आपको सेपरेटली बताया है। ओके, अब इम्पॉर्टेंट बात, हमें हमेशा पता है कि फोर्स इज व्हाट, फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज विल गिव यू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स दैट द फोर्स इज गिवन बाय, इसको इस तरफ लेके जाएं, द फोर्स इज गिवन बाय क्यू नॉट टाइम्स ई। ऑल राइट, सो इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, क्यू नॉट क्या था, टेस्ट चार्ज था जो इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा था। अब हम इस पे देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज क्या है, प्लस क्यू, तो इस पे फोर्स जो अभी हमने बताया था, फोर्स लग रहा था इस पे एफ प्लस क्यू। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी क्यू नॉट ई, लेकिन क्यू नॉट की जगह पे क्या रखा है, प्लस क्यू, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस क्यू इंटू ई। ये बात समझ आई क्या। सिमिलरली जो हमारा माइनस क्यू चार्ज है, जो इस जगह पे माइनस क्यू चार्ज हमने रखा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन ये है, और इसकी वैल्यू है एफ माइनस क्यू, तो एफ माइनस क्यू की वैल्यू कितनी होगी, तो एफ माइनस क्यू की वैल्यू होगी माइनस क्यू इंटू ई। ये बात आपको समझ आ गई। ओके, तो अब आप इधर देख सकते हैं, दिस प्लस क्यू ई इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज, एंड माइनस क्यू ई इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू चार्ज ऑफ द डाइपोल। ओके, ऑल राइट, सो दिस इज़ द फोर्स इट इज़ गिवन हियर, एंड दिस इज़ द फोर्स इट इज़ गिवन हियर। ओके, अब बच्चों ध्यान से देखना, मेरा एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ओके, और इसमें मैंने क्या रखा है, डाइपोल रखा हुआ है, जिसमें एक चार्ज है माइनस क्यू, दूसरा चार्ज है प्लस क्यू। ये पूरे सिस्टम में दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है। इसका जो वैल्यू है वो है क्यू ई प्लस का, और इसकी जो वैल्यू है वो है माइनस क्यू ई, माइनस क्यू ई। ऑलराइट, तो इस सिस्टम पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, क्वेश्चन मार्क, टोटल फोर्स बताइए कितना लगेगा। ऑब्वियसली आप दोनों फोर्सेस को आप ऐड करिए, तो जब मैं क्यू ई में माइनस क्यू ई को ऐड करता हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा आंसर आता है जीरो, जिसका मतलब है कि इस ओवरऑल सिस्टम में टोटल फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाता है कि टोटल फोर्स जो है डाइपोल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना लगता है, तो कितना लगता है, अभी आपने बताया F प्लस क्यू, उसमें ऐड कर दो F माइनस क्यू को, तो F प्लस क्यू की वैल्यू क्या थी, Q इंटू ई, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस क्यू इंटू ई, तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास में आंसर कितना आएगा, ज़ीरो। चलो वेरी गुड, इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल फोर्स इन दोनों पे एज ए सिस्टम इज ज़ीरो, पूरा सिस्टम को लेता हूँ तो ज़ीरो होता है। ओके, अब इलेवेंथ क्लास में मैं लेके चलता हूँ आपको ट्रांसलेशनल मोशन के अंदर, वहाँ आपको याद होगा कि जब भी हमारा एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होता है, इसका मतलब है
मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज ज़ीरो। याद आ रहा है? यस। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास वो है जहां हम प्रिटेंड करते हैं कि एक सिस्टम का मास कंसंट्रेटेड होगा। अब अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं तो मेरा सेंटर ऑफ मास कहां होगा? ये रहा पॉइंट ओ पे, क्योंकि इन दोनों का, इस पूरे डाइपोल का सेंटर पॉइंट कौन सा है? ये है। तो सेंटर ऑफ मास भी किस जगह होगा? इस जगह होगा। ओके, अब ध्यान से समझना बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ज़ीरो है। इसका मतलब क्या? मास तो ज़ीरो नहीं होगा, तो क्या ज़ीरो है? एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज ज़ीरो। चलो बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई एक्सीलरेशन नहीं हो रहा, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होगा तभी तो आंसर ज़ीरो आ रहा है। तो इससे हमें एक चीज़ आइडिया हो जाती है दैट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज़ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जो पहले थी वही रहेगी। अब मैं बात ध्यान से देखूँ, ये डाइपोल मैंने इसमें रखा था, तो अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है सेंटर ऑफ मास की? ज़ीरो है। तो अंडर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होगी? सेम रहनी चाहिए, कांस्टेंट थी तो सेम कितनी है? ज़ीरो है। इसका मतलब ये है कि मेरा पॉइंट ओ हमेशा रेस्ट पे रहता है। देखो बहुत बड़ी चीज़ है, पॉइंट ओ ऑफ द डाइपोल विल ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला? ये जो एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है उससे कंक्लूज़न निकलता है, आप लोगों को लिखना है ये अपनी कॉपी में, कंक्लूज़न ये निकलता है दैट द सेंटर ओ विल ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट। वाई? बिकॉज अभी मैंने बताया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आएगी? कांस्टेंट, पहले जितना था उतना ही अभी रहना है। यू इज़ इक्वल टू वी, यू कितना था? ज़ीरो था, तो वी भी कितना रहेगा? ज़ीरो। ओके चलो, तो ये रेस्ट पे रहेगा। तो इसका मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि इस पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा डाइपोल पे? नहीं, देखो दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक बॉडी है ना, ध्यान से देखना, एक बॉडी पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, एक फोर्स की डायरेक्शन है ये, ठीक है, ये मेरा हो गया मान लो एफ प्लस क्यू, ध्यान से देखना। और इसी बॉडी के सेम लाइन में दूसरी तरफ से मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ एफ माइनस क्यू। ओके, अब इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन यानी अगर जिस लाइन पे मैंने फोर्स लगाया वो दूसरे वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से मैच कर जाए, ये जो लाइन है ये सामने वाले लाइन से मैच कर जाए तो हम ये कहते हैं, और ये इक्वल हो फोर्सेस तो हम ये कहते हैं कि ये सिस्टम मूव नहीं करेगा। ओवरऑल इसमें ज़ीरो ट्रांसलेशनल मोशन है। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या है? इसमें अभी कोई वेलोसिटी नहीं आएगी, ज़ीरो पे रहेगा। चलो वेरी गुड, ट्रांसलेशनल मोशन ज़ीरो रहेगा। पर यहाँ पर क्या लाइन ऑफ एक्शन सेम है? क्या लाइन ऑफ एक्शन दोनों फोर्सेस का अलग है? ये देखो, ये है, यहाँ पर मैं डायग्राम में ध्यान से देखना, ये है मेरा फर्स्ट फोर्स, ये है मेरा सेकंड फोर्स, इन दोनों के बीच में इतनी डिस्टेंस है, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a, सो देयर लाइन ऑफ एक्शन इज़ नॉट मैचिंग, एक ही लाइन में नहीं है ये। सो अभी मैंने देखा था सेंटर तो रेस्ट पे रहेगा, सेंटर रेस्ट पे रहेगा, पर ये मैंने इसको आप इस तरीके से समझो कि जो आजकल एक वो बच्चे एक स्पिनर लेके घूमते हैं हाथ में, है ना, स्पिनर क्या होता है? स्पिनर इस तरीके से है और उसमें बीच में पिवट है, पिवट क्या है कारण, अब यहाँ मैं फोर्स लगा रहा हूँ, एक फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ, तो ये क्या करता है? घूमने लगेगा, ये घूमेगा। तो वही इसके अंदर भी होगा, ये सेंटर थोड़ी घूम रहा है, ये सेंटर तो रेस्ट पे रह रहा है, तो वो स्पिनर की तरह ही ये मेरा डाइपोल भी घूमने लगेगा। कैसे घूमने लगेगा? रोटेशनल मोशन होने लगेगा। तो रोटेशनल मोशन कब लगता है? याद करो, हमने 11th क्लास उसमें क्या बोला था,
व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस देन देयर विल बी अ टॉर्क। याद आ रहा है, एक टॉर्क लगता है, इसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। और इसी टॉर्क को इन ये फोर्सेस जो है ना कपल में एक्ट करते हैं, इसी टॉर्क को हमने क्या बोला था, ये दो फोर्सेस जब इक्वल अपोजिट होंगे तो उनको हम क्या कहते हैं, कपल एक्ट करता है। और इस कपल को किससे हम बताते हैं, टाउ, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। शाबाश, तो अब बच्चों एक चीज़ क्लियर हो गई, पहला नेट फोर्स ज़ीरो था तो सेंटर जो है वो स्टेबल रहेगा और मेरा सेंटर मूव नहीं करेगा, सेंटर ऑफ मास, इसलिए पॉइंट हो तो स्टेबल है। ये क्यों हुआ था, क्योंकि एफ़ ज़ीरो है, ये याद रखना है, एफ़ एक्सटर्नल ज़ीरो है, ये अभी अपने देखा। लेकिन क्योंकि इनके लाइन ऑफ एक्शन दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, सो इसमें एक नेट रोटेशनल मोशन होगा। ट्रांसलेशन मोशन तो कितना है, ज़ीरो। इसमें ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो ट्रांसलेशनल मोशन इज़ वॉट, ज़ीरो। इसमें अब क्या हो रहा है, इसमें रोटेशन हो रहा है, तो देयर विल बी अ रोटेशन ऑफ द डाइपोल, डाइपोल रोटेट होने लगेगा। और उस रोटेशनल मोशन किसके कारण हो रहा है, उसको हम कहते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ कपल, कपल एग्जिस्ट कर रहा है इसीलिए वो लग रहा है। चलिए, तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो ये यहाँ आप देख सकते हैं, वही चीज़ हमने एक्सप्लेन करी हुई है कि इस पे एक्सेलरेशन नहीं लग रहा, सो इट विल पॉइंट ओ विल बी एट रेस्ट एंड दिस विल बी कांस्टेंट। ओके, सो टोटल फोर्स इज ज़ीरो बिकॉज ऑफ दिस, ए सी एम विल बी ज़ीरो, ए सी एम ज़ीरो है यानी कि वी सी एम कॉन्स्टेंट रहेगा, वो कॉन्स्टेंट कितना है, ज़ीरो पे, तो ये ज़ीरो पे रहेगा और ट्रांसलेशनल मोशन अंडरगो नहीं करता। ओके, आगे देखते हैं। ठीक है, अब जैसा मैंने आपको बताया था, इन दोनों फोर्सेस के कारण लाइन ऑफ एक्शन इनकी सेपरेट है, यहाँ आप देख सकते हैं लाइन ऑफ एक्शन इनकी सेपरेट है। इस सेपरेट होने के कारण, इन दोनों फोर्सेस के कारण, इक्वल अपोजिट फोर्सेस के कारण, मेरा ये जो डाइपोल है ये अंडरगोज अ रोटेशन। ओके, एंड दिस रोटेशन इज एक्चुअली गिवन बाय द कपल। तो आप कपल कितना होगा वो स्टडी करते हैं। ओके, सो इधर मैंने आपके लिए लिखा हुआ भी है, इधर इसको पढ़ सकते हैं, द लाइन ऑफ एक्शन बिटवीन द टू फोर्सेज इज नॉट सेम, सो देयर एग्जिस्ट अ टॉर्क एंड कपल। सो हाउ टू कैलकुलेट द कपल, तो कपल कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हमेशा हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था कि टॉर्क इज इक्वल टू आइदर ऑफ द टू फोर्सेज, दोनों फोर्सेज में से एक फोर्स ले लो, आइदर फोर्स ले लो, याद आ रहा है, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज, बिटवीन द फोर्स। तो अब मैं इधर देखूँ डायग्राम को। ओके, ये है मेरे दो, ये डाइपोल है, यहाँ है प्लस चार्ज, यहाँ है माइनस चार्ज। इस प्लस चार्ज पे फोर्स लग रहा है प्लस क्यू ई, और माइनस चार्ज पे फोर्स लग रहा है माइनस क्यू ई, जिनकी डायरेक्शन है इस तरीके से रिप्रेजेंटेड। तो इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ऑब्वियसली बी एम होगी, क्योंकि इसको मैं पीछे की तरफ बढ़ा सकता हूँ, इसको मैंने पीछे की तरफ बढ़ाया इसके लाइन को, और ऊपर वाली लाइन से इसके बीच में जो डिस्टेंस देख ली वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सो व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेज, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेज इज गिवन बाय बी एम। ऑलराइट, बी एम से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये दिख रहा है आपको, बी एम इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो इसको कैलकुलेट कैसे करें, तो कैलकुलेट करने के लिए याद करना है हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, स्टार्टिंग में ये बताया था कि पी की डायरेक्शन थी ये, याद आ रहा है, पी की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज में, बार बार बता रहा हूँ मैं, याद रखना है हमेशा, पी इज़ वॉट, डाइपोल मोमेंट वैक्टर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी। इन दोनों के बीच में एंगल कितना लिया था, इन दोनों के बीच में एंगल लिया था मैंने थीटा। ओके सो दिस इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एंगल ये कितना होगा, थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब जगह है ना, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब जगह है। तो इसका मतलब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ऑल राइट, सो अब इधर ध्यान से देखें, ये एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ है। ट्राइंगल में मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है BM कितना है। तो जो फाइंड आउट करना है उसको ऊपर लिख लो, ओके, और जो गिवन है उसको नीचे लिखो। गिवन क्या है, गिवन इस पूरे ट्राइंगल में दूसरी चीज़ जो गिवन है वो है लेंथ ऑफ द डाइपोल। लेंथ ऑफ द डाइपोल कितनी है, 2a। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है BM। तो BM के नीचे मैं क्या लिखूं, BM के नीचे लिखता हूँ ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो BM अपॉन AB। तो इधर देखो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है साइन थीटा, यही होता है ना, साइन थीटा। ऑल राइट, तो साइन थीटा है तो BM की वैल्यू कितनी आ गई, BM की वैल्यू आ गई, इसको मैं उस तरफ भेजूँ, सो AB साइन थीटा, AB साइन थीटा, AB की वैल्यू कितनी है, 2A, 2A साइन थीटा, 2A साइन थीटा, BM की वैल्यू आ गई। ओके, BM क्यों फाइंड आउट किया था, इट वाज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियसली टॉर्क फाइंड आउट करना है हमको, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, टॉर्क इज इक्वल टू आइदर फोर्स, दोनों में से एक, या तो ये ले लो या ये ले लो, उसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो हमने QE ले लिया ये वाला ना, तो इधर लिख दिया QE, उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी BM कितनी थी, 2a साइन थीटा, तो 2a साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, 2a और साइन थीटा। ओके सो मेरे पास में टॉर्क आ गया QE इंटू 2a साइन थीटा, इतना टॉर्क यानी इतना कपल इस पे लग रहा है और इस कपल के कारण ही रोटेशनल मोशन होता है इस डाइपोल में। अब बच्चों ये फिगर में Q2A जाना पहचाना सा वर्ड है ऑब्वियसली, तो आप इधर देखो ये Q और ये 2A मिलके क्या बन गए, Q into 2A क्या होता है, यस डाइपोल मोमेंट होता है, अभी लास्ट में हमने यही पढ़ा था। सो जब इसको मैं P से रिप्रेजेंट करता हूँ तो इस Q और 2A की जगह पे मैं P लिख देता हूँ, पीछे क्या बचा, पीछे आपके पास में बचता है E, इलेक्ट्रिक फील्ड का E एंड साइन थीटा। सो PE साइन थीटा आपके पास में आ गया एंड दिस इज़ इक्वल टू व्हाट, दिस इज़ इक्वल टू योर टॉर्क। तो ये आपके पास में आ गया, PE साइन थीटा इज इक्वल टू द टॉर्क। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, टॉर्क इज गिवन बाय PE साइन थीटा। अब देखो बच्चों, PE साइन थीटा को अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है देन इट इज़ नोन एज P क्रॉस E। P क्रॉस E का मतलब क्या है, P आपका है डाइपोल मोमेंट वेक्टर, E आपका है अप्लाइड एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो P क्रॉस E विल बी गिवन बाय टॉर्क, यही होता है A क्रॉस B इज AB साइन थीटा। सो टॉर्क विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, और टॉर्क और द कपल विच इज़ गिवन बाय टाओ इज इक्वल टू P क्रॉस E। अब आप लोग पूछोगे E क्रॉस P क्यों नहीं, तो हमने जितने भी ऑब्जर्वेशंस किए, जो एक्सपेरिमेंट्स किए, उसमें हमने ये देखा था कि जो वैल्यूज़ आई हैं टॉर्क की, जो डायरेक्शन आई है वो टॉर्क की डायरेक्शन किससे रिजेंबल हुई, P क्रॉस E से हुई, E क्रॉस P से नहीं हुई। इसलिए हमने क्या लिए वैल्यूज़ की, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, न्यूमेरिकल्स में भी आता है, याद रखना है P क्रॉस E। ओके, अब डायरेक्शन आपको A क्रॉस B वेक्टर से हमको याद है, तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करें, तो डायरेक्शन को समझना ध्यान से बच्चों। सपोज करो मेरे पास में एक प्लेन है, प्लेन क्या होता है, टू डायमेंशनल। ओके, इसमें एक तो है मेरा डाइपोल, इस प्लेन के अंदर ही है, ये डाइपोल है ना, ये डाइपोल है। ओके, ये डाइपोल है। अब इस पे मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है उसकी डायरेक्शन थी ये, ये दोनों प्लेन में ही हैं, इस येलो कलर का जो प्लेन बना है, प्लेन है ना, इसी पेपर में है, और ये कौन से एंगल पे हैं, इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल है थीटा। ऑलराइट,
अब मुझे डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है टॉर्क की, तो टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए दिस इज योर पी एंड दिस इज योर ई। सो टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए रूल क्या लगाते हैं? आंसर क्या था? टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड था ना इसका। तो याद करना है हमको, टॉर्क इज गिवन बाय पी क्रॉस ई। तो पी से ई की तरफ चलना है, कहाँ से कहाँ तरफ चलना है? पी से ई की तरफ चलो, पी से ई की तरफ। तो मेरा पी वेक्टर कौन सा है? ये है। तो उधर से मुझे ई की तरफ चलना है। तो देखो मैं यहाँ से चल रहा हूँ, चल रहा हूँ, चल रहा हूँ, और कहाँ जाके पहुँचा? ई पे। यहाँ एरो बना दो। तो आप पी से ई की तरफ गए, आपने एरो बना दिया। अब एरो बनने के बाद आपका अगर इस एरो पे अपनी फिंगर्स को रखोगे, फिंगर्स को कर्ल करो, है ना, राइट हैंड के फिंगर की, कौन से हैंड के फिंगर की? राइट हैंड, यूज़ योर राइट हैंड, राइट हैंड यूज़ करो, और अपनी जो फिंगर्स है उसको इसके साथ में कर्ल करो। कर्ल मतलब मोड़ो। जब आप मोड़ोगे राइट हैंड के फिंगर को इसके साथ में, तो याद रखना है फिंगर्स की जो डायरेक्शन है मुड़ने की, वो भी इस एरो के साथ में ही होनी चाहिए, उल्टा मत मोड़ देना। तो आपका अंगूठा किस तरफ जा रहा है? पेपर के अंदर। आपका जो थंब है वो कहाँ जा रहा है? पेपर के अंदर जा रहा है ना, क्योंकि अभी जैसे आपने इसको अपने जो फिंगर्स हैं उसको रोटेट किया, इस एरो के साथ में रोटेट किया, तो आपका जो थंब की जो पोजिशन है वो पोजिशन होती है हमारे टॉर्क की। तो जो टॉर्क है उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? टॉर्क की डायरेक्शन होगी यहाँ से, आप देख रहे होंगे अंदर की साइड में जा रहा है प्लेन के, यानी ये जो स्क्रीन है इससे अंदर की तरफ जा रहा होगा। तो ये डायरेक्शन मेरी किसकी हुई? जब भी मेरा पी क्रॉस ई, क्लॉकवाइज लिया ना आपने, तो पी क्रॉस ई, पी से ई की तरफ जा रहे हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, तो मेरे टॉर्क की डायरेक्शन किस तरफ हुई? टॉर्क की डायरेक्शन हुई इनसाइड द प्लेन। दूसरे तरफ से इसको समझने के लिए, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा, तो एक स्क्रू है ना बच्चा, एक स्क्रू है, उस स्क्रू को आप इस पॉइंट पे रखो, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे स्क्रू रखो। अब जैसे मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, इस पॉइंट पे रखने के बाद अगर मैं उस स्क्रू को पॉइंट वाइज घुमाऊँगा तो स्क्रू अंदर घुस जाएगा, यानी पेपर के अंदर जाएगा। अंदर जो डायरेक्शन जा रही है वही मेरे डायरेक्शन टॉर्क की है। इसको मैं कहता हूँ द स्क्रू मेथड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, या राइट हैंड रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन। तो जब भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसको हम जिस डायरेक्शन में पी से ई की तरफ जा रहे हैं, तो ए से बी की तरफ जैसे जा रहे हैं ए क्रॉस बी में, तो पहला जो वेक्टर आ रहा है पी और दूसरा जो वेक्टर आ रहा है ई, तो यहाँ से यहाँ की तरफ आप जाओ, तो पी से जैसे ही आप ई की तरफ जाओगे तो जो डायरेक्शन आपको मिलेगी अपनी स्क्रू की अंदर जाते हुए, तो वो डायरेक्शन कौन सी होगी? वो होगी टॉर्क की। तो आपको समझ आया बच्चों टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? ओके, तो अब आपको डायरेक्शन क्लियर हो गई, टॉर्क आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो अब हम लोग इसकी थ्योरी में देख लेते हैं हमने किस तरीके से किया है। ऑलराइट, सो यहाँ आप देख सकते हैं आइदर फोर्सेज इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज। सो आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितना था? बी एम। सो क्यू इनटू टू ए साइन थीटा दैट इज द टॉर्क इज गिवन बाय पी क्रॉस ई। ऑलराइट, चलिए तो अब वो डायरेक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। ओके, लेट मी फिक्स इट फर्स्ट। ओके राइट, ऑलराइट, सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जब भी आपको टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो, तो सिंस टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, सो यू हैव टू टेक द एंगल फ्रॉम पी टू ई। ओके, जब आप इस तरीके से करोगे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो आपकी जो डायरेक्शन होगी टॉर्क की वो कहाँ होगी? इनसाइड द प्लेन। सो ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस को समझने के लिए अभी तक आप लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था? अभी आपने ये फाइंड आउट किया था कि द टॉर्क इज गिवन बाय पी ई साइन थीटा। ध्यान से देखना, पी ई साइन थीटा। ऑलराइट, अब तीन केसेस मैं बनाऊंगा इसके। पहला केस है जब द डायरेक्शन ऑफ पी एंड ई इज सेम
या पैरेलल बोल दो, हम सेम बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं, और लिखते चलना पैरेलल। तो पैरेलल हो तो कैसा केस है, केस ऐसा है देखो बच्चों, फील्ड कैसी लगी हुई है, फील्ड यूं लगाई हुई है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर कहाँ लगता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, तो मेरे चार्जेस कैसे होंगे, चार्जेस होंगे इधर होगा माइनस इधर होगा प्लस, यही होगा ये माइनस ये प्लस, तो मेरा डाइपोल मोमेंट वेक्टर पी किधर से किधर होगा, इधर से इधर होगा, तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है हमारा डाइपोल मोमेंट वेक्टर। सो पी और ई इनकी डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई, तो मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये है हमारा पी, ऑलराइट, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किस तरफ है, इसी तरफ है, ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अब आप देख सकते हो ये दोनों पैरेलल है ना, तो थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया ज़ीरो, क्योंकि पैरेलल थे या सेम डायरेक्शन में हैं, तो थीटा की वैल्यू आ गई ज़ीरो। जब भी थीटा की वैल्यू ज़ीरो आएगी तो मेरा टॉर्क कितना हो जाएगा, पी ई साइन ज़ीरो, पी ई साइन ज़ीरो मतलब ये कितना हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई, तो ऐसे केस में टॉर्क ज़ीरो होता है, जब भी टॉर्क ज़ीरो होता है उस कंडीशन को मैं बोलता हूँ, और पैरेलल के वाले केस में, ठीक है, ये टॉर्क ज़ीरो हो गया, और देखो फोर्स तो ज़ीरो था ही था, है ना, ये तो हमने पढ़ा था, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स तो ज़ीरो है क्योंकि चार्जेस जो है दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे थे, पर टॉर्क भी ज़ीरो हो गया, तो मेरा जो डाइपोल है वो स्टेबल है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, वो इक्विलिब्रियम पोजिशन में है, इसीलिए ऐसी कंडीशन को मैं बोलता हूँ व्हेनेवर पी इज़ पैरेलल टू ई देन थीटा इज़ ज़ीरो, दैट मीन्स द टॉर्क इज़ ज़ीरो, और इस कंडीशन को मैं बोलता हूँ, नाम याद रखना, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन सी कंडीशन है ये, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है, याद रहेगा, वेरी गुड। ये मेरा पहला केस था, सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं, चलो तो सेकंड केस क्या हो सकता है, एंटी पैरेलल ले लो। एंटी पैरेलल का क्या मतलब है, देखो ये है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, एंटी पैरेलल समझा रहा हूँ, डाइपोल कैसे रख दूँ, एंटी यानी अपोजिट डायरेक्शन में रखना है, पैरेलल नहीं रखना, एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मतलब इधर माइनस होना चाहिए और इधर प्लस होना चाहिए, जब माइनस और प्लस अपोजिट होंगे तो डाइपोल मोमेंट भी माइनस से प्लस की तरफ चलता है, तो मेरे पी की डायरेक्शन भी कौन सी होगी, पी की डायरेक्शन होगी इस जगह से माइनस से चलते हुए प्लस की तरफ, पी वेक्टर बनाया मैंने, ये डायरेक्शन नहीं बनाई है, ये वेक्टर है, ओके ध्यान रखना। सो पी की डायरेक्शन कहाँ है, माइनस से प्लस की तरफ, तो पी मेरा चल रहा है माइनस से प्लस की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स राइट, पी की डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो मैं इसको इस तरीके से बताऊं, ये हो गया मेरा पी, ये है पी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है ऐसा, तो इनके बीच में एंगल कितना है, ऑब्वियस सी बात है 180 डिग्री एंगल है, कितना एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है, जब 180 डिग्री का एंगल होगा तो टॉर्क की वैल्यू कितनी थी, टॉर्क की वैल्यू है पी ई साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 180, जब थीटा 180 होगा तो उसकी वैल्यू भी ज़ीरो होती है, तो इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू अगेन ज़ीरो आ गई। तो बच्चों हमने देखा एंटी पैरेलल वाले केस में भी टॉर्क ज़ीरो होता है, पर ये है एंटी पैरेलल ना, इसलिए इस कंडीशन का नाम दूसरा दिया है मैंने, इस कंडीशन का नाम है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, अनस्टेबल और इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्यों, क्योंकि ये जो है इस पे टॉर्क ज़ीरो लग रहा है, अनस्टेबल क्यों, क्योंकि ये एंटी पैरेलल है, तो दोनों कंडीशन में डिफरेंस है, पहले वाली कंडीशन थी स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये वाली कंडीशन है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब बच्चों लास्ट कंडीशन, थर्ड पॉइंट, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 90 डिग्री, यह समझदार हो आप लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इस तरीके से लिया आपने, और इसमें मैंने मेरे डाइपोल को प्लस से और माइनस से, ये है माइनस ये है प्लस, अब मैंने माइनस से प्लस की तरफ लेना है पी की वैल्यू, तो ये पी की डायरेक्शन ये हो गई, तो ये है मेरी पी की डायरेक्शन, और ई की डायरेक्शन थी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा दी हुई है, तो पी और ई के बीच में डायरेक्शन क्या हुई, ई की डायरेक्शन तो है ये,
और पी की डायरेक्शन है परपेंडिकुलर। तो जब इनके बीच में एंगल हो गया 90, तो टॉर्क कितना होगा? टॉर्क होता है पी इंटू ई इंटू साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? सबको पता है 1 होती है। तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई? पी इंटू ई। तो टॉर्क की वैल्यू पी इंटू ई आ गई आपके पास। कितनी आ गई? पी इंटू ई। तो जब थीटा की वैल्यू 90 हो, यानी मेरा पी जो है परपेंडिकुलर है किसके? ई के। उस केस में टॉर्क की वैल्यू पी इंटू ई आती है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है। बच्चों ये वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हेन द अप्लाइड टॉर्क इज मैक्सिमम, द अप्लाइड टॉर्क ऑन द डाइपोल विल बी मैक्सिमम बाय द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल इज परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, तो ये आपका हो गया आपका थर्ड केस। इसके बाद बच्चों एक छोटा सा आप लोगों को और बताना है। ये तो आपका डाइपोल वाला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंप्लीट हो गया, पर एक बात आपको अब हम डाइपोल मोमेंट वेक्टर को एक और तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, टॉर्क की वैल्यू है पी ई। अभी तक हमने डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन किया था? इट वाज इक्वल टू क्यू एंड इनटू 2a। ओके, आइदर चार्ज एंड द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखो, इससे मैं दूसरी तरीके से डिफाइन भी कर सकता हूँ। पी ई साइन थीटा, यही है ना, पी ई साइन थीटा। तो पी को मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूँ, तो ये है टॉर्क डिवाइडेड बाई ई साइन थीटा। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर मेरा ई वन हो जाए, इसकी वैल्यू वन हो जाए और साइन थीटा की वैल्यू वन हो जाए, यानी थीटा की वैल्यू 90 हो, ऐसे केस में पी किसके इक्वल हो जाएगा? टॉर्क के इक्वल हो जाएगा। पी किसके इक्वल हो जाएगा? पी विल बी इक्वल टू द टॉर्क। सो पी को मैं दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूँ। सो पी इज़ एक्चुअली कैलकुलेटेड न्यूमेरिकली इक्वल टू द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज वन, दैट इज यूनिट, एंड द डाइपोल इज कैप्ट एट एन एंगल 90 degree विद रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दूसरा तरीका हो गया मेरा डाइपोल को डिफाइन करने का। ठीक है बच्चों, तो अब देख लेते हैं हम लोगों ने किस तरीके से किया है। आप लोगों को थोड़ा सरसरी नज़र से आप देख सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया था, ये तीन इसके केसेस हैं, ध्यान से देखते रहना। पहला केस हमने देखा ही था स्टेबल इक्विलिब्रियम का। स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी पी और ई की डायरेक्शन सेम हो, पी पैरेलल हो। जब पी पैरेलल होगा तो थीटा ज़ीरो होगा। थीटा ज़ीरो होगा यानी कि कौन सी कंडीशन है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ आप देख सकते हो, ये है मेरी पी की डायरेक्शन, ये है ई की डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन है, पी ई साइन थीटा, टॉर्क ज़ीरो। इसको मैं क्या बोलता हूँ? स्टेबल इक्विलिब्रियम। चलो आगे देख लेते हैं सेकंड केस। सेकंड केस है एंटी पैरेलल वाला। एंटी पैरेलल वाला केस क्या होगा? जब माइनस क्यू से क्यू की तरफ चल रहा है पी, और ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एंटी पैरेलल है। पी इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन टू ई। तो थीटा की वैल्यू कितनी हुई? 180। इसके कारण टॉर्क कितना आया? ज़ीरो आया। इस कंडीशन को मैं क्या कहता हूँ? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ऑल राइट, थर्ड कंडीशन। थर्ड है परपेंडिकुलर वाला केस। इस परपेंडिकुलर वाले केस में आप देख सकते हो, थर्ड है परपेंडिकुलर, थीटा की वैल्यू 90, यानी पी, ये है आपकी पी की डायरेक्शन, ये है आपकी ई की डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में 90 degree एंगल। सो दैट इज़ पी ई एंड दैट इज़ द मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन। ये बात आपको याद रखनी है। ओके चलिए, और इसके बाद में हमने डिफाइन किया था पी को। डिफाइन कर सकते हैं कब होगा, कैसे डिफाइन करते हैं? जब ई की वैल्यू 1 हो, साइन थीटा की वैल्यू 1 हो, यानी थीटा की वैल्यू 90 हो, तो पी किसके इक्वल आ गया था? टॉर्क के इक्वल आ गया था। तो उस केस में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। क्या है डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डाइपोल हेल्ड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ। परपेंडिकुलर होना चाहिए डाइपोल, और कैसी होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड? 1, यानी यूनिट स्ट्रेंथ की होनी चाहिए।
तो गाइस यही था, इतना ही था इसमें। अगले टॉपिक को लेके मैं बहुत जल्द आपके पास समय आऊँगा, जहाँ हम देखेंगे कि अभी हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस, और उसमें डाइपोल कैसे बिहेव करता है। आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी तो कैसा बिहेवियर होगा डाइपोल का। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, एंड गुड बाय।